दोस्तों, हमारी पृथ्वी सौरमंडल के ग्रहों में सबसे खूबसूरत ग्रह है और इस ग्रह पर लगभग 195 देश मौजूद हैं। ये दुनिया अजीबोगरीब रहस्यों से भरी पड़ी है जिसके बारे में जानकर आप सभी हैरान रह जाते हैं। आप में से कई सारे लोग यह सोचते होंगे कि काश रात ना होती तो कैसा होता। लेकिन दुनिया के 95% देशों में दिन और रात का चक्र चलता रहता है। भारत सहित कई देशों में 12 घंटे का दिन और रात होता है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि कुछ ऐसे देश हैं जहां रात कुछ पलों के लिए ही होती है और सूरज लुका छिपी का खेल खेलता रहता है। इन देशों के बारे में जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। ऐसी जगहों पर लोग अपनी डेली लाइफ कैसे जीते होंगे, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। इन देशों में कई ऐसी जगहों के नाम मौजूद हैं जहां कई महीनों के दिन होते हैं। इसके साथ जब दिन खत्म हो जाते हैं तो काफी दिनों की रात होती है। अगर आप सोच रहे हैं कि इन जगहों पर इंसान नहीं रहते तो यह गलत है, क्योंकि इन जगहों पर बाकायदा शहर बसे हुए हैं। तो चलिए जानते हैं कि किन देशों में रात नहीं होती। नंबर वन देश है कनाडा। कनाडा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। अमेरिकी राज अलास्का से सटा यह देश उत्तरी ध्रुव के करीब है। कनाडा के कई शहरों में दिन और रात का विचित्र चक्र देखने को मिलता है। यह देश साल के कुछ समय तो बर्फ से ढका रहता है, लेकिन इसके उत्तर पश्चिम इलाके में साल के गर्मी के दिनों में यहाँ 50 दिन तक तो सूर्य डूबता ही नहीं है। यहाँ लगातार दिन का उजाला रहता है। नंबर दो अलास्का। यह आइसलैंड कभी रूस का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन अमेरिका ने इसे रूस से खरीद लिया था। इसे खूबसूरत ग्लेशियरों का राज्य भी कहा जाता है। यहाँ के कई इलाकों में मई से जुलाई के बीच सूरज नहीं डूबता है। यहाँ रात को करीब 12:30 बजे सूर्य अस्त होता है और 51 मिनट बाद सूर्य उदय भी हो जाता है। नंबर तीन फिनलैंड। हजारों झीलों और आइसलैंड से बना यह काफी खूबसूरत देश है। यह देश भी उत्तरी ध्रुव के नजदीक है, जिस कारण गर्मियों के दिनों में 73 दिन सूरज अपनी रोशनी बिखेरता रहता है। नंबर चार आइसलैंड। ग्रेट ब्रिटेन के बाद यह यूरोप का सबसे बड़ा आइसलैंड है। कहा जाता है कि यहाँ 10 मई से जुलाई के अंत तक सूरज नहीं डूबता है। यहाँ के खूबसूरत नज़ारे को देखने के लिए लाखों पर्यटक जाते हैं। तो अब आपको इन जगहों के बारे में जानकर कैसा लगा, हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।